सिम में ज्यादातर लोग कौन लोग आते हैं जिनको कहीं कुछ नहीं मिलता, कहीं कुछ समझ में नहीं आता, चलो जय आर सिम करते हैं। शायद कुछ लह जाए। क्या हो जाए? ढूंढते रहते हैं सर, कोई मिल ही नहीं रहा है सर। अंधा घोर अंधकार है। अब अंधकार में आदमी चलेगा तो ऐसे ही चलेगा। यस और नो? यस। अरे अंधों आंख लगा लो, अंधा बन के करोगे जिंदगी भर, ऐसे ऐसे करते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। रेस करो, रेस दौड़ो, लोगों की ना सुनने की आदत डालो। मैंने ये सोच के आरसीएम नहीं किया कि बस जिसको बोलेंगे ये बोलेंगे भैया टूट जाएगा, भैया टूट जाएगा। अरे 125,000 कितना होता है पैसा, आपने कभी देखा है? देखे भी होंगे तो एक आध बार दो बार बेटा की शादी में दहेज मिला होगा तो कुछ लोग देख लिए होंगे। कहीं जमीन बेचे होंगे तो देख लिए होंगे। मैंने 7.5 लाख इनकम बताया, बताओ 500 की कितनी गड्डी होगी? 500 की गड्डी, 500 का नोट का पैकेट कितना होगा? 15 पैकेट, इतना 500 का नोट आपको देंगे कि इसको गिनो, मिलाओ, सब गड्डी तोड़ गए, 15 दिन लगा दोगे नहीं मिला पाओगे। यस। 15 दिन से ज्यादा उसको गिनने में लग जाएगा, दिन रात सब परिवार परेशान रहोगे, कभी 99 आएगा, कभी 98 आएगा, कभी 101 आएगा, तो मुझे पता है बीमारी का है, गिन नहीं पाओगे। और मैं 15 गड्डी बैंक में घुसेड़ देता हूँ हर महीने, अकाउंट में डीसी बाबा से छीन लेता हूँ। कुछ कुछ जा रहा है दिमाग में? पैसा कमाने के लिए ना मरना पड़ता है। यस। क्या करना पड़ता है? मरना पड़ता है। या घर में बैठ के कैसे होगा, सुनी मुश्किल होता तो डी कुमार कैसे कर ले गया यार, ये आगे की कुर्सी पे जो बैठे हैं सब रॉयल्टी टेक्निकली कैसे कर ले जा रहे हैं? आप नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है। यस यस। पैसा देने के लिए तैयार है कंपनी, कंपनी ने चेहरा देखती है ना, इंटरव्यू लेती है ना, रिटन टेस्ट लेती है ना, आपसे जात बिरादर पूछती है, आपका रंग क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, नाटा हो, गोरा हो, काला हो, पीला हो, लाल हो, हरा हो, कोई मतलब नहीं है, बस कोट टाइप पहन के आरसीएम का बिजनेस फॉलो कर दो, कंपनी आपको पैसा पहुंचाएगी। यस। तो ये हार हार वाले लोग बहुत भयानक होते हैं, खतरनाक जीव जंतु है, मैं तो बोलता हूं जंगली जानवर से भी खतरनाक जानवर है ये। ये हमारे समाज के जितना बड़ा पाकिस्तान हमारा देश का दुश्मन है, उससे भी खतरनाक दुश्मन ये हमारे हारा हुआ आदमी, हारा हुआ लोग है। यस। ये किसी को छोड़ता नहीं है, ये सबको निकल जाता है। ये न एटम बम से भरने वाला है, ना ही ये ब्रह्मास्त्र भगवान श्री राम वाला होता, वो चला देते ना तब भी ये जीवित निकल से आते। एक फिल्म देखते थे ना, कौन सा था, फॉरेन वाली, उसमें गोली मारो पहाड़ में चढ़ा दो फिर भी जिंदा हो जाता था। तो ये कभी मरेंगे नहीं। कुछ कुछ दिमाग में जा रहे हैं? यस। अब आपको इसी में से कुछ लोगों को खींचना है और उसको ला करके यहां जिंदा करना है। ये खान है, ये खान कभी खत्म नहीं होगा। वो लोग सोचते हैं सब जुट जाए तब का हुई मर्दवा, बनारस वाले बोलते हैं। यस। क्या बोलते हैं? कहा बेटा तेरी जैसे सब सोच रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हो? यस। तो ये हार हार वाले लोगों से बचना है। हम हारे हुए इंसान हैं, लेकिन ये हार वाले हमें नहीं जिता पाएंगे। हमें ढूंढना है जो पहले से जीता हुआ इंसान है। मैं हारने वाले के पास जाता ही नहीं, बड़ी दूर से मैं प्रणाम करता हूं,
समझ जाता हूं कि खतरनाक जीव जंतु बच्चों नहीं तो ये मारेगा पता नहीं कहां कहां। कुछ लोग कहते कि सर हम इसको पकड़ लेंगे, मैं कहा पकड़ के देख, नहीं पकड़ पाओगे। कई लोग चार कंपनी, पांच कंपनी, दस कंपनी, कंपनी बदल बदल के कुछ लोग टीम बदल रहे, ग्रुप बदल रहे, अप्लाइंग बदल रहे, बदल बदल के थक गए। कुछ लोग तो कसम खा लिए हैं कि अब आरसीएम कब बोला करो कब आप मर जाए कौनो नेटवर्किंग में। मेरे को मिलते हैं कहते भैया आप कसम खा लिए और मैं तुरंत वहां से निकलता हूं, कोई चिरह कोई बहस नहीं। मालूम है क्यों निकल जाता हूं? समय की बर्बादी है। अगर गलती से वो जुड़ भी गया तो ज्यादा दिन तक आपके साथ नहीं रहेगा, वो फिर किसी दूसरी कंपनी में जाएगा, और जाएगा नहीं आपके 15-20 को ले जाएगा। यस तो बताइए कितना खतरनाक जीव जंतु है, है नहीं है? तो ऐसे खतरनाक जीव जंतु से क्या करना है? हम लोग उल्टा काम करते, बहस करते, उसको समझाते, अरे मत पढ़ो यार उनके चक्कर में, वो बर्बाद है, वो हारा हुआ इंसान है, वो जब भी आपके साथ काम भी करेगा ना तो वो आपको जिताने के लिए नहीं काम करेगा, वो आपको हराने के लिए काम करेगा। उसका दिमाग 24 घंटा यही सोचेगा कि साले को इसको कैसे हरा दे। बहुत खतरनाक जीव जंतु है। कुछ कुछ जा रहा है दिमाग में? Yes! कितने लोगों के दिमाग में जा रहा है? Yes! की जा रहा है, पर ताली बजा दो, बहुत अच्छे। और चौथी कैटेगरी है जीत जीत। ये इंसान, जीतने वाला इंसान, ये किसी को हराता नहीं है, ये सबको जिताता है। ये जीत जीत का खेल आज तक नहीं खेला गया, और ये खेल कौन खेल रहा है? पहले हमने 17 लाख लोगों को हरा दिया, यूनियन बैंक में चले गए, अब मैंने कसम खाई है 17 लाख को जिता देंगे, ग्राउंड बन जाएंगे। यस, यहां हराने के लिए मैं किसी को नहीं आया, सबको जिताने के लिए आया, और आपको भी सबको जिताना है। बीड़ा उठा लीजिए। मेरे से लोग पूछते हैं कि क्या तूने समाज का ठेका ले रखा है क्या? मैंने कहा यार ठेका ले लिया है, ठेका ले लिया है। हर व्यक्ति को जिताना है, हर भाई को जिताना है, हर बहन को जिताना है, सबके चेहरे पे मुस्कान लाना है। अरे यही तो कमाल है आरसीएम का, सब जीतेंगे तो हम अपने आप जीत जाएंगे।